नीतीश तेजस्वी की महागठबंधन सरकार में किस मंत्री के पास कितनी संपत्ति है, इसका ब्यौरा बिहार सरकार की ओर से मांगा गया है। नीतीश सरकार के सभी मंत्रियों की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर सभी मंत्रियों को पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि वे 31 दिसंबर तक हर हाल में संपत्ति का ब्यौरा जमा करा दें। बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि जब नीतीश सरकार ने मंत्रियों के संपत्ति का ब्यौरा मांगा हो। ऐसा पिछले कई सालों से सभी मंत्रियों से संपत्ति का ब्यौरा लिया जाता है, जिसे सार्वजनिक भी किया जाता है। महागठबंधन सरकार से पहले जब बिहार में एनडीए की सरकार थी, तब भी राज्य सरकार ने सभी मंत्रियों के संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी खुद अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया था। संपत्ति का ब्यौरा कैबिनेट सचिवालय विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध भी कराया जाता है। सभी मंत्री अपनी पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों की संपत्ति का ब्यौरा सरकार को सौंपते हैं। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के निर्देश पर कई मंत्री संपत्ति का ब्यौरा बनाने में भी जुट गए हैं। ब्यौरा में नगद, बैंक में जमा राशि, वाहन, आभूषण से लेकर मकान, भूमि आदि की जानकारी देनी होती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.